टैमरिन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स या धनिया, 2 टीस्पून उड़द दाल, 2 टीस्पून चना दाल, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून मेथी और 4 कश्मीरी लाल मिर्च। सब मसाले डालने के बाद इसे 2 मिनट तक सेक लेना है, जब तक मसालों की खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और एक पाउडर तैयार कर लेंगे। फिर हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और इसे भी सेक कर मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। आप किसी भी प्रकार का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट या ब्लैक। आप देख सकते हैं कि पाउडर काफ़ी दरदरा है। फिर हम एक पैन में 1 टीस्पून तेल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून सेंगदाना, 1/2 टीस्पून हींग। उसके बाद हम थोड़े कड़ी पत्ते भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। फिर हम डालेंगे 1 कप इमली की चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो आप इमली का पल्प और गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे मिक्स कर देंगे। फिर हमें इसमें पाउडर को डाल देना है। बनाए पाउडर को इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कप पके हुए चावल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।